हाँ जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, बढ़िया, अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बस ठीक है। तो अभी मैं गुजर रहा था तो इस समय हम थोड़ा सा एक रिव्यू ले रहे हैं कि आपके वार्ड नंबर 17 से जी जो कई पार्षद प्रत्याशी उठे हुए हैं जी। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। जी देखिए, मेरा नाम अमित कुमार है। अमित जी, जी तो अमित जी आप क्या करते हैं? जी मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, तैयारी चल रही है मेरी। तो कहते हैं कि एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए युवा वर्ग का योगदान बहुत जरूरी होता है। हाँ। आपसे बात करूं कि आपको क्या लगता है इस बार आपके वार्ड नंबर 17 से किसको आप देखना चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी आप देखना चाहते हैं? देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैं इस बारे में एक व्यक्तिगत बात करना चाहता हूं कि हमारे वार्ड से उस समय पिछले कार्यकाल में 2011 से और 17 के बीच में डॉक्टर राजनाथ निगम जी प्रत्याशी थे और उन्होंने जीत भी हासिल की। उनके कार्यकाल को देखते हुए जो भी काम वो किए हैं और समय पे मुलाकातें हो जाती हैं, फ़ोन से भी जो बातें होती हैं वो सुनते हैं और अपने डायरी में भी नोट करते हैं, ये नहीं कि सुन के अनदेखा कर देना, ऐसा कुछ नहीं। तो इस बार भी उनको एक मौका मिला हुआ है और बहुत अच्छा है और इनकी प्रचार प्रसार भी काफ़ी अच्छी चल रही है और वार्ड भी हमारे काफ़ी बढ़ गए हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जंग में है ये भी। और इनका जो कार्यकाल है पिछला 11 से 17 जो मैंने अभी इसके पहले भी बोला आपसे, ये इनको देखते हुए बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर राजनाथ निगम जी को सपोर्ट करें और इन्हीं को जिताने का पूरा योगदान मेरा रहेगा। और ये काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, शिक्षित व्यक्ति भी हैं, समाज सेवी भी किए हैं और बराबर इनसे मुलाकात भी हो जाती है, चाहे आवास हो चाहे इनकी क्लिनिक हो, और हर बात को समझते हैं, बैठाते हैं, कोई आता है तो समझते हैं कि हाँ भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या कर सकते हैं आपके, क्या आपको राहत दे सकते हैं। और बाकी जो भी इनको कार्यकाल मिलता है वो गली गली में हर घर पे जा कर के देखते हैं उस कार्य को पूरा हुआ या नहीं हुआ, वो देख करके फिर उसके बाद आगे की कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। फिर लोगों से ही पूछते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है आपके गली में, सही चल रहा है क्या, है नाली सफाई होती है कि नहीं, ये भी देखने आते हैं। तो ये सब देखते हुए हमारा जो व्यक्तिगत बात है ये डॉक्टर राजनाथ निगम जी को। चलिए बिल्कुल, आपने अपना कहते हैं कि एक युवा वर्ग की हर एक कहते प्रकृति को देखता है और आपने अपना व्यू रखा और जो अच्छी बात है अगर आप ऐसा बताते हैं जैसा चीजें हैं। और मतलब मैं खुद बहुत अचंभित हूँ कि यहाँ की पब्लिक, जो लोकल पब्लिक आपकी है, उन्होंने खुद मुझे बोला कि आप एक बार सर से मिलकर आइए। अच्छा। मैंने कहा कि ऐसा क्या खास बात है सर में, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि आप जब खुद मिलेंगे तो आपको पता चलेगा। और रियल बताओ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैं उनसे मिला तो मुझे खुद लगा वाकई मैं किसी एक ऐसे शख्स से बात कर रहा हूँ जो एक हर एक पहलू को ध्यान में रखते हैं, जो एक अच्छे समाज सेवी, एक अच्छे डॉक्टर और सबसे बड़े एक अच्छे पर्सनैलिटी है जो हर समाज के लिए हमेशा सोचते हैं। तो थैंक यू सो मच अमित जी, थैंक यू। सो दोस्तों, अभी मैं वार्ड नंबर 17 में इस समय हूँ और यहाँ पे जो लोकल लोग हैं यहाँ पे उनसे मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी चलते हैं अपने यहाँ पे, हमारे दो भाई लोग दिख रहे हैं। हाँ जी सर, जी क्या नाम है आपका? विवेक चौधरी नाम है मेरा। विवेक चौधरी, अच्छा जी। और सर आपका नाम क्या है? विकास। विकास, तो अभी आप क्या करते हैं सर? अभी तो पढ़ाई चल रहा है। पढ़ाई चल रहा है, और आपका भी? सर मेरा तो फार्मासिस्ट। आप? फार्मासिस्ट हूँ सर। फार्मासिस्ट हो, ओके। तो अभी आपके वार्ड में जो है कई प्रत्याशी उतरे हुए हैं पार्षद पद के लिए और आप लोग युवा वर्ग हैं, तो युवा वर्ग की क्या सोच है, आप अपनी सोच बताइए कि क्या है, एक पार्षद की जो भूमिका क्या होनी चाहिए, कैसे उसको सेवा करनी चाहिए और आपके अकॉर्डिंगली किसका कौन होना चाहिए आपके क्षेत्र से। सबसे पहले मैं आपसे, नीरज नाम है? विवेक। हाँ विवेक बताइए। अभी तो सर फिलहाल में ये डॉक्टर राजनाथ निगम दिखाई दे रहे हैं जो कि शिक्षित व्यक्ति हैं और समाज सेवी व्यक्ति हैं ये, और पहले इनका कार्यकाल 2012-2017 भी सभी लोग देख चुके हैं, काफ़ी इन्होंने काम भी किया है अपने वार्ड में और जनता का क्या कहते हैं उनकी समस्या भी सुनते हैं और शुरू से ये समाज सेवी करते आ रहे हैं। तो उनके कार्यकाल को देखते हुए इन्हें खुद जनता ने ही वापस इन्हें बुलाया है, इन्हें तो हम ही लोग ने खड़ा कराया है एक तरफ से देखा जाए तो। हाँ क्योंकि इनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है। चलिए तो मतलब एक है इनको चुनने का, एक बार सभी लोग चुनने के लिए इन्हीं को चुनेंगे लोग, सभी लोग। अच्छा जी ठीक है, तो अभी चलते हैं जी विकास जी की तरफ। हाँ जी विकास जी, तो अभी आपका भी क्या है, एक युवा वर्ग आप क्या सोचते हैं, किस तरह का हमारा
ये कैंडिडेट जो हमारे कैंडिडेट हैं पार्षद कैसे होने चाहिए और आपके हिसाब से कौन उपयुक्त है? पहले तो मैं ये बोलूँगा कि चारों प्रत्याशी में सबसे मुझे अगर देखा जाए तो सबसे अच्छे मुझे डॉक्टर साहब ही नज़र आ रहे हैं। इनका पहले भी कार्यक्रम हम लोग को अच्छा लगा, सबकी बात सुनते थे, नाली है, सड़क है, लाइट है, इनके कार्यकाल में बहुत अच्छा लगा हमको। और क्या बोलते हैं कि इस बार इनको मौका मिला है तो हम लोग सोचें कि इनको मौका फिर दिया जाए कि फिर से और भी इनसे अच्छा काम किया करवाया जाए, जैसे कि रोड हुआ, नाली हुआ, लाइट हुआ। तो हम लोग चाहेंगे कि इनको ही जनता चुने और हम लोग भी चुन लिया गया है, तुलना करके ही हम लोग वोट करेंगे डॉक्टर साहब को ही। ये अच्छे भी हैं और व्यवहार भी इनका अच्छा है, समय पर मिलते भी हैं और गरीबों का मदद भी करते हैं। जी जी, इनका क्लिनिक है, हम लोग भी जाते हैं तो क्लिनिक पे पैसा नहीं रहता है तब भी लोगों को दवा देते हैं, इलाज करते हैं, इसीलिए हम लोग डॉक्टर साहब को ही वोट करेंगे और चाहेंगे कि जनता भी, वार्ड नंबर 17 की जनता भी इनको वोट करे और आशीर्वाद दे। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि इस समय वार्ड नंबर 17 से जो हमारे श्री डॉक्टर राजनाथ निगम जी का, मतलब चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो हर एक वर्ग उनका के वो चाहते हैं और यहाँ पे जैसा कि उनका कार्यकाल से लोग तुलना भी कर रहे हैं तो हर तरीके से उनको परफेक्ट मान रहे हैं। तो ये ज़रूर उम्मीद होगी, जाहिर सी बात है, अगर किसी एक शख्स के लिए सभी व्यक्ति इस तरह से बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो खास बात होगी। तो चलिए देखते हैं, चुनावी जंग में ये चल रही है, इस चुनावी जंग में कौन जीतता है और जो भी जीते वो हम से जिस भाव से सेवा के लिए पब्लिक उसको चुन रही है उसको जरूर पूरा करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।